फ्रेंड्स, ये मेरा 6455B लैपटॉप है। ये HP प्रोबुक है। ये बहुत पुराना लैपटॉप है। इसमें प्रॉब्लम्स आ रही थी कि इसमें वो नहीं चल रहा था, मेरा कैप्स लॉक और नंबर लॉक भी ब्लिंक कर रहे थे। यहाँ भी चालू हो गया। मैंने इसमें रिपेयरिंग का सिस्टम डाला था, मैंने विंडोज़ प्लस भी करके, पर इसमें बैकअप नहीं था क्योंकि मेरे हार्ड डिस्क फॉर्मेट हो गई थी। अगर आपकी हार्ड डिस्क फॉर्मेट हो गई है या फिर आपने हार्ड डिस्क चेंज करवाई है तो इसके जो सिस्टम्स होते हैं वो बदल जाते हैं। इसकी जो बैकअप की होती है बायोस की, वो काम करना बंद कर देती है क्योंकि जो नई हार्ड डिस्क आती है उसमें बैकअप की नहीं डली होती है। इसलिए आपका भी ये चीज़ लैपटॉप बैकअप नहीं होगा। इसमें लेमिनेशन चढ़ा हुआ है, इसलिए आपको बैकअप की से रिपेयर नहीं होगा। आपको नया बायोस डलवाना पड़ेगा। आप इसमें देख पा रहे हैं कि मेरे अभी ये चल रहा है। मैं इसको रिस्टार्ट करके देखता हूँ कि ये चल रहा है कि नहीं दोबारा। लेकिन ये इसमें लैप नॉमला पर कैश लॉक की कंटिन्यूसली बिंक होती थी, चलता नहीं था। अभी मैंने इसको सुबह सुबह चालू किया है तो ये चल रहा है। इसमें अगर ये दोबारा रिस्टार्ट करने पे नहीं चलता है तो इसमें बोर्ड की प्रॉब्लम आती है, फिर आपको इसका बोर्ड चेंज करवाना पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने इसको रिस्टार्ट किया, ये रिस्टार्ट हो रहा है। अगर आपका वो रिस्टार्ट नहीं होता है या फिर आपका फ़ैन, देखिएगा आपका फ़ैन बहुत हैवीली रन करने लगता है। जैसे कि देखिए मेरा फ़ैन बहुत हैवीली रन करने लगा, आप आवाज़ सुन पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे कि बहुत हैवीली रन कर रहा है। मतलब इसका बोर्ड गर्म होने लगा है, और इसका बोर्ड अगर सिंपली टेम्परेचर में गर्म हो रहा है मतलब इसके बोर्ड्स में कुछ शॉर्ट सर्किट प्रॉब्लम्स है जिसके कारण ये बोर्ड रन हो रहा है। अब मेरा अगर बोर्ड गर्म हो रहा है तो फिर ये बंद हो जाएगा फिर से। और अगर ये वेलकम स्क्रीन आ गई है, इसके बाद भी अगर आपका फ़ैन रन नहीं कर रहा है, सिंपली रन कर रहा है, बहुत हैवीली रन नहीं कर रहा है, तो आपके बोर्ड से प्रॉब्लम नहीं आएंगी। मैंने इसको दिखाया था अपने, देखिए सकते हैं आप फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे ये जो हार्ड डिस्क की लाइट है ये येलो हो गई। मींस ये ब्लू थी, मतलब ये रन कर रहा था हार्ड डिस्क, लेकिन अब ये येलो हो गई है। और देखिए मैं पावर ऑन करूँगा तो अगर ये येलो रहती है तो बायोस नहीं, देखिए अब मेरा इसमें फ़ैन कितनी तेज़ आवाज़ कर रहा है, ये देखिए अब क्लोज हो रहा है, मतलब हार्ड ये बोर्ड गर्म हो रहा है। जैसे मैं ऑन करता हूँ तो फ़ैन बहुत तेज़ चलता है। अब मेरा लैपटॉप थोड़ी देर बाद बंद हो जाता है, ये देखिए ये ऑन करता हूँ मैं, ये ऑन तो हो रहा है, फिर थोड़ी देर बाद बंद हो रहा है। ये मतलब बोर्ड क्यों शॉर्ट सर्किट है, जिससे कारण क्या हो रहा है, ये CPU को बहुत ज़्यादा गर्म कर रहा है और हमारा लैपटॉप जो है बंद हो रहा है। देख पा रहे हैं ये ब्लू आ रहा है, मतलब बायोस की प्रॉब्लम्स नहीं हो रही हैं, लेकिन अब ये बोर्ड की प्रॉब्लम्स हो रही हैं क्योंकि फ़ैन मेरा बहुत ज़्यादा रन कर रहा है। आप देख सकते हैं फ़ैन को टच करके अपने बहुत तेज़ी से आवाज़ कर रहा है, जिसके कारण बोर्ड गर्म हो रहा है हमारा। इसमें बोर्ड की प्रॉब्लम्स है, आपको बोर्ड रिपेयर करवाना पड़ेगा किसी रिपेयर शॉप में जाके। ये मेरा बन चुकी है, यहाँ पे कोई भी लाइट्स आफ्टर 5 सेकंड to 10 सेकंड लाइट्स बंद हो रही है। अगर आपको सेम प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप एक बार अपना अडेप्टर चेक कर सकते हैं जो पावर सप्लाई है। अगर पावर सप्लाई आपकी सही है या फिर पावर सप्लाई में सही वोल्टेज नहीं आ रहा है तो फिर आपके इसकी पावर सप्लाई HP प्रोबुक की 18.0 की है, मतलब 18 वोल्ट अगर आपके में आ रहा है, 18-19 वोल्ट आ रहा है तो आपकी पावर सप्लाई सही है। अगर कम वोल्ट आ रहा है या बहुत ज़्यादा वोल्ट आ रहा है मतलब पावर सप्लाई प्रॉब्लम है, एक बार आप अडैप्टर चेंज करके देख सकते हैं अपना।